और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत सारे तो बिल्कुल भूखा पेट करते हैं, लेकिन मैं खाती हूँ फलाहारी, मतलब कि अन्न ग्रहण नहीं करती। उसके अलावा मतलब आलू कोई सूप वो, लेकिन अभी पी है बस चाय। और टाइम हो रहा है आई थिंक 3:30 का हो रहा होगा, ऊपर भी हो रहा हो पता नहीं। तो मीनू भी और मैं भी, मीनू भी दवाई खाती है और मैं तो डुड्डू को फीड कराती हूँ, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ चाहिए खाने में। तो ना अभी किचन में आ गई और बना रही हूँ आलू की टिक्की। एक बार दिखा देती हूँ, मैंने भिंडे रख रखी है, घी में आलू की टिक्की और दही के साथ खाएंगे मैं और मीनू। मम्मी ने दही जमा दी थी, रख ली थी हमारे लिए, तो टिक्की बन गई। और राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अब। कल मैंने दो व्लॉग डाल दिए थे, थोड़ा सा कल का भी रिकॉर्ड है इससे पहले जो मैंने डाल दिया है वो। और यहाँ पे मीनू लेके खड़िया बोल रही है दिखाओ दिखाओ, हमने बनाया। तो इसलिए मैं क्या, चलो व्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। और ये देखो, ये रुका नहीं गया। तो इडली बनाई है और मूंगफली की चटनी, समर की फेवरेट है इडली। और मतलब लाइट सा हो भी जाता है, नाश्ता तो ऐसे हो गया है सबका। बेड वगैरह मेरा अभी करना बाकी है, लेकिन मैं किचन में ही हूँ अभी। और समर की बना दी इडली, और समर के पापा भी खाएंगे इडली, मीनू भी खा रही है। तो समर के पापा ना अभी बाहर चले गए, एक बार वापस आएंगे तब। मैंने बोल दिया था 10 मिनट पहले बता देना, गरम गरम से ना ठंडी अच्छी नहीं लगती है ना इतनी। तो साथ साथ मैं बना रही हूँ डोसे, तो मैंने आलू उबालिए मसाला डोसा बना रही हूँ और चटनी के साथ ही, क्योंकि सांभर मतलब खा भी लेते हैं लेकिन एक तो ना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एकदम से प्रोग्राम बन गया, पूरी सब्जियाँ भी नहीं थी। और जितना हम चटनी के साथ खुश होके खाते हैं उतना सांभर के साथ खुश होके हम नहीं खाते हैं। तो मैंने प्याज कट कर लिए, दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट भी मैंने आते हुए। और कढ़ाई में तेल गरम करना रखा है, तो ये देखो एक कढ़ाई में ये इतने सारे आलू छील के मैंने रख दिए, ये इतने सारे प्याज काट के रख दिए। और तो बस अभी तेल रखा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तेल भी आ गया है मेरा, तो अभी बस तड़का लगाते हैं आलू की सब्जी बना के और फिर बनाएंगे डोसा। तो बस आलू की सब्जी मसाला डोसा बनेगा, ये देखो इसको। तो वो बना के और फिर साथ साथ ना मैं डोसा और चटनी, चटनी के साथ खाएंगे आज, वो बना लेती हूँ अभी, लेकिन उसके बाद मैं आपको। हाँ बेटू, इसको देखो मामा नंगू है, और ये नंगू 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 है ना, गिरेगा। तो ठीक है, बना कल की शाही ना फैल गई। तो ठीक है, अभी जाके बना लेते हैं हम अपना डोसा और फिर करेंगे बाकी के काम, एक बार बस खाना हो जाए। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ जाली वाले डोसे, मैं जाली वाले बनाती हूँ, मेरे से ना वो वाले नहीं बनते अच्छे से। तो एकदम कुरकुरे जाली वाले, ये भी बनते हैं ना अलग से, मैंने देखे है वीडियोस। और ये देखो ऐसे, और इसके ऊपर डाल देंगे हम मसाला। मैं तो आलू खूब सारे डाल देती हूँ, मतलब अच्छे लगते हैं ना ये आलू की सब्जी जो बनती है ना, ये इतनी मस्त वाली बनती है। तो ये देखो इसे मैं फैला दूँ, मैं फ़ोन हाथ में पकड़े हुए हूँ। तो ये देखो फैला दिया, वीडियो ना मैं अपने आप ही शुरू होगी, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया ना एकदम से टच हो गए। तो बस मैं तो ऐसे हाथ से ही पलट देती हूँ इसको, चल मैम देखो कितना क्रंची क्रंची बनाया ना। और उधर मीनू बैठ के खा रही है, तो गरम गरम ही खा लेते हैं, अभी मम्मी के लिए भी पहुँचा दूँगी नीचे। तो ये देखो बन गया हमारा डोसा एकदम क्रंची वाला, तो निकाल लेती हूँ मैं अभी इसको। और अभी मैं भी खा रही हूँ डोसा, डोसा मसाला डोसा,
सबको खिला दिया मैंने और साथ बना ली है चाय। डुड्डू को भी सुला दिया है। तो अभी खा के डोसा और चाय पी के मैं नहाऊंगी, दूध का टाइम भी हो गया है ऐसे, और या तो आज फिर वरना कल आप लोगों को लेके चलूँगी पीछे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं भी नहीं गई हूँ और देखा भी नहीं है मैंने पीछे। तो ठीक है, आज काम काम में टाइम निकल गया, डोसे की ना प्रिपरेशन में ही इतना टाइम हो जाता है कि पहले ना कोई प्रोग्राम नहीं था और एकदम से बना तो टाइम लग गया ज़्यादा। तो बस आज था, आज का यही व्लॉग था, इसमें पहले का शिवरात्रि कल का भी व्लॉग है फर्स्ट में। कल मैंने आलू की टिक्की बनाई थी, मैं और मीनू बढ़ते थे, हमने फ्रूट्स नहीं खाए, हमने नमक वाला किया था तो उसमें टिक्की बनाई थी, और रात को सामक के चावल बनाए थे वो ऐड में करना भूल गई, और रात को 9 बजे के बाद मैंने अलवी करी थी, और अभी देखूंगी मैं बीच में भी कर सकती हूँ वरना संडे को करूंगी 9 बजे के बाद रात में। तो आप सब अगर फ्री हो तो आ जाइएगा एलवी में, अभी तो काफ़ी टाइम है संडे में, उससे पहले भी कर सकते हैं कुछ नहीं पता। तो ठीक है, मैं खा लेती हूँ डोसा और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी और बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं कपड़े प्रेस वगैरह वो करूँगी मैं। तो मिलती हूँ आपको अपने एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।